राम राम सा पापा मम्मी रसोई मारवाड़ी में आप सबारो स्वागत है सा। सर्दियारो मौसम आई गयो है। सर्दियारो मौसम रे मायने अपा बाजरे सोगरा दलियो और राब बगर बनाने खाया करा। इन सब री तासीर गर्म होया करे तो बाजरी अपा ने सर्दिया में जरूर खावनी चाहिए। आज मैं आपने बाजरी रा पराठा बनाने बतौला जेका बहुत ही स्वादिष्ट चटपटा और मसालेदार बनने तैयार होया करे। और इन बाजरे पराठा बनाने में आप कोई भी तरह पानी का इस्तेमाल नहीं कराला। आपने एक पारंपरिक रेसिपी है जिसको आपके घर में आप जरूर ट्राई कर जो। और इन साथ खाने वास्ते मैं आपने बेसन की खट्टी मीठी चटनी बनाने बतौला जिन कॉम्बिनेशन आपने इन पराठा रहते बहुत ही अच्छा लगेगा। तो बस वो पहले चटनी बनाने तैयार कर ला। इन वास्ते आप एक पहलो लिए हाँ जिन मैंने आप 1/3 कप बेसन ले लें वहाँ और अपन मई वाला बेसन ही है। अब इन मैंने आप थोड़ा मसाला डाल दें वहाँ तो 1/4 छोटा चम्मच वैजी थी इन मैंने पा लाल मिर्ची डाल दें वहाँ 1/4 छोटा चम्मच वैजी थी इन मैंने पा हल्दी डाल दें वहाँ और 1/2 छोटा चम्मच वैजी थी इन मैंने पा नमक डाल दें वहाँ। नमक वगैरह आप अपने स्वाद अनुसार कम बता डाल सको। बस थोड़ा थोड़ा करने पानी डालना इन्हें गोल बना ले वना एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालना पड़ा नहीं तो कहीं मकाटा पड़ जा वाला। आप सोचता बोला कि आंटी जी चटनी पहले क्यों बना रखी है। इन्हें मतलब वो है कि आ चटनी है ठंडी खावी जा करें तो गर्म गर्म पराठा आप बनाने खावला उन ठंडी चटनी खावला खाउंडा मैंने बहुत स्वादिष्ट लगे ला। सब घाटा पाने भाग गया इन मानो तो आपने इन मान घाटा पड़ गई हुआ तो आपने छान लीजो। अब इन मान पर पानी डाल दी हूँ तो अपा 1/3 कप बेसन लिया इस वास्ते अपन ने 2 कप पानी घालना है और पानी अपन नापने घालना है और मेजरिंग कप रे हिसाब में 2 कप पानी लिया हूँ। सब ने अपा अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब आप चटनी बनावनी शुरू करा। अब बेसन की चटनी बनाने वास्ते भाई कडाला लिया हाँ जिन मैंने आप 1 टीस्पून वजी तो तेल डाल दिए वहाँ। आप तेल में या घी में कि नहीं मैंने बना सको भाई गैस ने अपा चालू कर दी। तो तेल अपना गर्म हो गया है इन मैंने 1/2 छोटा चम्मच अपा राई डाल दी वहाँ। 1/2 छोटा चम्मच ही जीरो डाल दी। जीरो पकन डूब गया है और राई भी अपनी चटकनी शुरू हो गई है। अब इन मैंने अपा 1/4 छोटा चम्मच वैसे हींग डाल दी वहाँ। 2 मैं हरी मिर्ची ली हुई हूँ जिन्हें छोटी छोटी काट ली हूँ यह भी मैं डाल दी। राई चटकनी शुरू हो जाए उन्हें बाजरे मैंने डालना है। मिर्ची अच्छी पक गई है। अब इन मैंने अपा 5-7 कड़ी पत्ता डाल दें। कड़ी पत्ता रखूस वो इन मैंने बहुत ही अच्छी आवेला। 1 टीस्पून वैसे तो इन मैंने अपा अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें। आप चाहो तो अदरक लहसुन ने काटना भी डाल सको। आप लहसुन नहीं खाता हो तो आप मत डाल दें। बस सब चीज़ें अच्छी पक गई है तो बेसन का गोल अपा बनाने रखे हो उन्हें इन तरह चलाने डालना है। मैंने बेसन कहीं नीचे जाना जम जाया करें इन तरह चलाने अपा डाला ला तो नीचे इन्हें चैंटियो नहीं कुछ भी सब बेसन आई क्यों है। अब इन टाइम रहा आँच पाची आप तेज कर सको। जरा छौक लगाओ उन टाइम अपन आँच धीरे कर ली उन्हें धीरे आँच से मैंने छौक अच्छा ला गया करें नहीं तो कहीं मसाला अपना बल जाया करें क्योंकि मसाला बढ़ेला नहीं मसाला का फ्लेवर बहुत अच्छा आवेला। इन मैंने पानी नाप आपने बराबर रखना है। ज़्यादा पानी डाल दो तो कही है चटनी आपकी पतली हो जाएगा न ज़्यादा पतली होनी चाहिए न ज़्यादा जाडी रहनी चाहिए क्योंकि ठंडी हो जाए और भी ज़्यादा जाडी हो जाए करें चटनी। अब इन मैंने आप 1 टेबल स्पून वजी थी शक्कर डाल दे वहाँ इन जगह में तो आप चाहो तो गुड़ भी डाल सको। गुड़ मिठास भी मैंने बहुत अच्छा लगेगा। चलो चटनी रे मैंने उकड़ आया बाद मैंने अपने 2-3 मिनट तक और पकाना है। बहुत जल्दी पक जाया करें आ चटनी के फटाफट बनना तैयार हो जाया करें। खाउंड मैंने बहुत ही स्वादिष्ट ला गया करें अरे चटनी बनाना पराठा तो खावानी तो कहीं पराठा खाऊं मैंने गले में टिका नहीं करें। अब इन पकाता ना अपन लगभग 3-4 मिनट हो गया है न अच्छी देखो गाड़ी हो गई है इन तरह गाड़ी हो जाऊनी चाहिए थोड़ी देर और गाड़ी हो जाए वाला। अब इन मैंने अपा थोड़ा कच्चा धना डाल दी हूँ धना ने अपा मिक्स कर लेवा। अब आप गैस बंद कर देवा गैस बंद कर यार पचा इन मैंने अपा 1 नींबू रस डाल देवा। नींबू रस की खटाई क्या बहुत अच्छी लग गया करें इन मैंने नींबू रस अपना कदी भी गैस बंद कर यार पचा ही डालना जिन्हों का ये खटाई कड़वी नहीं लगे। आज चटनी अपने बनना तैयार हो गई है न ठंडी वाला जरूर और भी गाढ़ी हो जाए वाला। अब इन अपा साइड में रख दी वहाँ न पराठा बनाने की तैयारी करा। इन वास्ते मैं मेजरिंग कप रे हिसाबू 1.5 कप बाजरी आटो लिया हूँ। वो आपने ध्यान रखना है बाजरी आटो कदे भी पुराना नहीं ली होना पुराना आटा पड़िया रहे उन टाइम वो कड़वा पड़ जाया करे उन अपना पराठा अच्छा नहीं बनेला खारा खारा हो जाया करे। बाजरी आटा हमेशा फ्रेश इस्तेमाल करना चाहिए चाहे पराठा बनाओ चाहे सोगरा बनावा चाहे राब बनाओ की भी बनाओ तो फ्रेश आटो ले होना। अब इन मैंने अपा 1/2 कप भेजी तो गेहूँ आटो डाल दी हूँ जिन्हों कहीं बाइंडिंग बहुत अच्छी आवेला बाजरी में इतनी बाइंडिंग नहीं होया करे इस वास्ते गेहूँ आटो डालना जरूरी है। अब मैं 1 टेबल स्पून भेजी तो अदरक लहसुन का पेस्ट लिया हूँ और बीन माइन डाल दी हूँ। आप लहसुन वगैरह नहीं खाता हुआ तो खाली अदरक और पेस्ट डाल दीजिए। 1/2 छोटा चम्मच वैसे तो मैं अजवाइन लिया हूँ इन्हें इन तरह हाथ में ले लिया वहाँ न
अच्छी तरह मसलन डाल देवा जिनको खुशबू बहुत अच्छी आवल है इनमें। अब आधा छोटा चम्मच वेजता इन मानपा काली मिर्ची का पाउडर डाल दी, पाव छोटा चम्मच वेजती हींग डाल दी, आधा छोटा चम्मच वेजता इन मानपा नमक डाल दी। तो नमक आप अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा डाल सको। दो मैं हरी मिर्ची ली हुई हूँ जिन्हें इन तरह महीन महीन काट ली हूँ। मिर्ची ने आप महीन काटने डाल दो, नहीं तो अदरक का पेस्ट बना हुआ उनटे हमारा बड़ी मिर्ची भी पीस लीजिए आप। एक टेबल स्पून वजीता मैं तिल लिया हूँ, तिल भी मैं डाल दी। तिल री तासीर भी अपना कहीं गर्म होया करे, इन्हीं साथ तिल रे माने कैल्शियम भी बहुत अच्छी मात्रा होया करे, तो तिल अपने जरूर खाना चाहिए। बाजरे पर डाली आने तो बाजरे मैंने भी आयरन री मात्रा होया करे, जो बाजरे अपन हेल्थ वास्ते बहुत अच्छी होया करे। अब मैं एक टेबल स्पून वजी तो गुड़ का पाउडर लिया हूँ। तो आप कहने गुड़ पाउडर नहीं हुए नाको गुड़ हुए तो थोड़ा सा गुड़ ने आप तोड़ने पानी माने भिगाने में डाल दीजो या मई मई कूटने डाल दीजो, तो इन हल्को सा मीठो टेस्ट में बहुत अच्छा लगेगा। पाव छोटो चम्मच वजते इन मैं हल्दी डाल दें, आप आधा छोटो चम्मच वजते इन मैंने अपा लाल मिर्ची डाल दें। अबे मैं पाव कप वजता धना लिया हूँ, कच्चा धना जिकन सा धोने सुखा लिया हूँ थोड़ा सा, इन्हें ऊपर पानी वगैरह नहीं रहे होना चाहिए। दो कप वजती मैं मेथी ली हुई हूँ, मेथी ने भी साफ धो ने थोड़ी कपड़े मत छिदी कर दी ही, जब मेथी रोपलो पानी निकल गया सब। अब मेथी बीन मैं डाल दी। अब एक टेबल स्पून वजह तो इन मैंने अपना घी डाल दी हुआ, घीरो मूंग थोड़ा सा डाल दें तो अच्छा लगे, बाजरी रहता कि घीरो कॉम्बिनेशन ही अच्छा लगे, तो घीरो मूंग ही डाल जाओ। पर घी आपने पसंद नहीं हुआ खाना तो बस आप तेल भी डाल सको, सब ने आप अच्छी तरह मिक्स कर लिया। इन तरह अपन हाथों एक बार मसल ले होना, कई वेला मेथी मान कोई पानी वगैरह वेला तो वो निकल जाए वाला, सब ने अच्छी तरह एक मिक्स कर लिया। बस थोड़ा थोड़ा करने में दही डालना, मैं एक कप दही लिया हूँ पर पूरा दही नहीं डाला ला, थोड़ा थोड़ा करने डाला ला तो मिक्स करता रहे वाला। दही आप ध्यान रखें जो खट्टो मत लीजो, खट्टो दही लेवो ला के तो इन माने पराठा पा खट्टा खट्टा लगेगा तो खाने में अच्छा नहीं लगेगा। तो मोड़ो दही लीजो तो बहुत स्वादिष्ट बनना तैयार वाला। इन तरह अपना मिक्स करता रहे आटो गूंदने तैयार करना। इन माने सब्जी ज़्यादा खा लोड़ी बनी से पराठा बहुत हेल्दी बनने तैयार होया करे। इन माने आटो अपना दो कप लिया कुल मिलाने, डेढ़ कप तो बाजरी लिया, आधा कप अपा गेहूँ आटो लिया, तो दो कप अपा मेथी डाल दिया इन मैंने, तो इस वास्ते मेथी खूब सारी हो गई इन मैंने। इन तरह अपना आटो उसनी जितना तैयार हो गया है तो अपने सेमी सॉफ्ट आटो उसने तैयार करना है, न तो टाइट होना चाहिए न ही ज़्यादा गिलो होना चाहिए। इतना आटो उसने मायने में एक कप दही लिया जिन मैं पाव कप दही भज गया है, पूर्ण कप दही ला गया है, आटो अपना अच्छो उसनी जितना तैयार हो गया। अब भाई ने अपना लोया तोड़ लेवा, पराठा हमने जितना बड़ा बनावना वह उन हिसाब आप लोया तोड़ लीजिए। एक ज़्यादा पतला भी नहीं बनया करे पराठा, आप देख रहे हैं मेथी कितनी ज़्यादा लग रही है, तो इस वास्ते बहुत अच्छा लगे लखाऊ में। यह सब लोया अपने बनाना तैयार कर लिया, इन तरह अपने सब लोया बनना तैयार हो गया। अब आप पराठा बेलना शुरू करा, अब आप एक लोया ले लेवा, इन माता पर थोड़ा सा आटो लगा देवा जिनको बटन ना मैं आसानी रहला। इन माने पास सब्जियाँ नहीं घाल उड़ी है, बाजरी आटो जिन मान को थोड़ा सा टूटिया करे साइड रे मानो, तो आप देख रहे हो थोड़ा थोड़ा क्रैक्स आ रहा है इन मैंने, हल्को सा इन मत आटो लगा दें, तरह दो साइड में बट लिया वहाँ पर और पाने बट्टी जी है, और ज़्यादा बड़ो नहीं बट्टी जा करे पाकती उपाने कटो फटो लागे के, तो आप थोड़ा सा भाई अच्छो सो दिखन वास्ते ने काट भी सको इन तरह, तो एक सिरक हो जाए वाला और साइड रो बच्चे उड़ा जो पाचा अपना आटे मैंने डाल दें। इन तरह अपन कर लिया एक सिरक बनना तैयार हो जाए, दिखन मैंने कहीं फूट रहा दिखा पराठा भाई साइड में अपना तवो भी गर्म हो गया है, तो माते थोड़ा सा अपना घी लगा दें, इन तरह अपना हल्को सा घी लगा दें नहीं पराठा ना पास सेक ले। और ध्यान रखना अपना तवो गर्म हो रहा बाद रे मायने जपा ने पराठा डालना है, कच्चे तवो मत नहीं डालना, जर अपना पराठा नीचू अच्छा पक जाए वाला तो ऊपर थोड़ा थोड़ा सूखो हो जाएगा देखो, नहीं जरा थोड़ा गीलो रहे वाला अब ऊपर थोड़ा सूखो हो गया देखो सब जगह चिपके नहीं हाथ रहे मायने। इन टाइम रपाई ने पलट दी वहाँ आराम वहाँ इन तरह करने पलट दीजिए, अटीनो पराठा पक गया है। अब इन मान अपा थोड़ा सा घी लगा दें, या कि जो अपन सोगरा घी में अच्छा लग गया कह जो पराठा पिया घी में अच्छा लग गया करे, क्योंकि बाजरी रहा नहीं घी में अच्छा लग गया करे, पर आपने घी में पसंद नहीं हुआ तो आप तेल लगाने भी खा सको। मैं पारंपरिक तौर की कर खाया करें वो जो आपने बता रही हूँ, जरूर नहीं ज़्यादा घी लगाओ आप थोड़ा सा घी लगा लो नहीं तो हल्की सी खुशबू वाला घी लिखे तो खाऊ में स्वादिष्ट लगेगा। देखो बहुत ही सुंदर कलर आ रही है ना, टूटे भी नहीं है, दूसरी साइड भी देखो गोल्डन कलर आई है, देखो अच्छा आपने दिख रही है।
इंतर उकर आ जाना चाहिए दो ही साइड में अब इन्हें अपन निकाल ले। एक बार अपना तवा अच्छा गर्म हो जावे उन्हें बाद रे मैंने पराठा अपना दो दो तीन तीन मिनट सीखना तैयार हो जाए करे। तो आप भी आप घर मैंने पारंपरिक कॉम्बो रेसिपी जरूर बनाई जो आपने खाने मैंने बहुत ही अच्छी लगे बहुत पसंद आवेला। तो मिला सा बेड़ा दूजा वीडियो मैंने जर तक राम राम सा।